नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। ग्राम पंचायत जंगेसू की पहली बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 200 ग्राम निवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यह बैठक पंचायत की प्रधान व्यासा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई, जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन का संविधान बनाना, सड़क लिंक रोड एवं खेतों तक पहुँचाने के रास्ते का निर्माण करना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाकर देना, इन प्रस्तावों को रखने के लिए विभाग से संबंधित मंत्री से मुलाकात करना और जल्द ही इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजेंद्र कुमार ठाकुर, वार्ड सदस्य रेखा देवी, तारा देवी, परमजीत कौर, नवीन तोमर अन्य भी उपस्थित रहे। परवानू से मदन मेहरा की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के चयन के बारे में भी चर्चा की गई और अन्य जो चर्चा थी वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति पे जो भी ग्राम सभा उचित समझे उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो मैम, आप प्रधान के लिए है तो आपके पास कितनी समस्याएं जो इस वर्ष होने वाली हैं, तो आप ज़रा खुल के बताएंगे कि भैया वो समस्याएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से और कब तक ये सॉल्व होंगी जी? समस्याएं तो बहुत सारी आई आने वाले पास, जैसे पानी के टैंक, भूमि सुधार और कृषि के ऊपर और पानी की कुल्ले, डंगे लगवाने जैसे गौशाला के लिए, इस प्रकार की समस्या है। और आपने आपके इस पंचायत में एक घोषणा भी की गई थी कि छोटा शिल्लू के उसमें जो भी काम होगा वो मैडम ने इशू किया था कि भाई सबसे पहले मैं कार्य वो करूँगी, तो वो कब तक होगा जी? सर वो भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है, मतलब जैसे दर्पणा ठाकुर जी को फंड आता है मतलब वो काम शुरू हो जाएगा जी। तो आगामी रूपरेखा किस प्रकार से होगी और आपका किस किस से सहयोग मिलेगा आपको? हमारे को डॉक्टर राजीव सैजल जी से भी सहयोग मिलेगा और हम मुख्यमंत्री जी से भी टीसीपी के बारे में भी हम बात करेंगे जी। जैसे टीसीपी की बहुत सारी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के सब लोग चाहते हैं कि टीसीपी को हटाया जाए ताकि हमारे को मकान, पानी, बिजली किसी चीज़ की समस्या ना हो। तो टीसीपी का कुछ ट्रेनिंग भी चला था, उसके बारे में भी लोगों ने विरोध किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे मैं? उसमें हम 11 पंचायतें थी जो गढ़खल में गई थी, उसमें सभी ने विरोध किया है टीसीपी को हटाया जाए। तो इसके बारे में आपने कोई आवेदन दिया है मंत्री जी को या क्या, इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें एक मीटिंग कमेटी बनाई है जी सभी 11 पंचायतों ने, जिसमें मतलब मुख्यमंत्री जी को हम प्रस्ताव डालेंगे, अपनी भेंट भी करवाई करेंगे जी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी से। तो जो कमेटी बनी कितने सदस्यों की मैम? इसमें मतलब 11 पंचायतों के सदस्य है जी जो सभी इसमें शामिल होंगे। और इसमें आपने प्रधान उपप्रधान का भी कोई निर्णय लिया गया है कि जो कर्ता धर्ता होगा कि किस प्रकार से होगा? सबका निर्णय लिया गया है जी इसमें, जैसे प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर भी थे जी वहाँ पे, तब सब ने मतलब अपनी तरफ से यही बोला टीसीपी को हटाओ, हमारी समस्याएं बहुत है टीसीपी को लेकर, जैसे जी ये मकान, तो, पानी, बिजली इसके लिए। तो इसका मतलब है टीसीपी आप नहीं चाहते और ना ही उससे विकास होने की संभावना है, आपका कहना ये है? और इसी से सभी लोग जो नगरवासी प्रणु के इस पंचायत के जो भी ग्रामीण हैं वो सभी आपके सहमति से हैं और आपकी सभी को इसकी मान्यता है? हमारी पंचायत ये चाहती है कि टीसीपी को हटाया जाए, इससे हमारे को कोई लाभ नहीं है जी। आप बताएंगे जी जो इस समस्या के बारे में आप कितना सहयोग करेंगे सरकार के द्वारा और अपने पर्सनल प्रयास से भी? टीसीपी जो है जी, ये हमारा जो ग्राम पंचायत जंगेसू है ये शहर से बटती हुई पंचायत है और यहाँ पे लोगों को जैसे बिजली के लिए और पानी के लिए, मकान बनाने के लिए टीसीपी के हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं और टीसीपी वाले 1% भी हमारे ग्रामीण जो लोग हैं वो उनको पता नहीं है टीसीपी के बारे में, इसके फॉर्मेलिटीज के बारे में, और वो थक के फिर पंचायतों में आते हैं और पंचायत के पास एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये टीसीपी की रहती है।
और लोगों ने कहा है कि चुनाव के दौरान भी कि हमें टीसीपी से छुटकारा दिलाया जाए, तो ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है ये इस टीसीपी के अंदर नहीं आना चाहिए, जिससे कि लोगों को बड़ी भारी परेशानियाँ होती है। हर चुनाव के दौरान वादे होते हैं इस पर, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई कभी टीसीपी विभाग ने की नहीं। और हम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी और अपने जो पंचायत मंत्री है हम उनसे भी और मुख्यमंत्री जी से टीसीपी के विषय में हम बहुत जल्दी जो ग्राम पंचायत जंगेसू प्रधान और प्रधान जी और इनकी पूरी टीम ग्राम पंचायत जंगेसू भी मुख्यमंत्री जी से इस विषय में भी मिलने वाली है, ताकि लोगों को इससे राहत मिले। तो और इसमें जो भी सहयोग ग्रामवासियों का होएगा, हम सभी का होएगा, हम लोग बिल्कुल पंचायत के साथ हैं और जो भी निर्णय पंचायत करेगी तो जैसा ये हमें कहेंगे हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे इनके साथ, और ताकि इससे लोगों को राहत मिले टीसीपी से। तो धन्यवाद जी करनाल जी आपका, आपने अपना सहयोग दिया और हमारे को इस प्रकार की पूरी जानकारी दी, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी अवसर पर मैं उप प्रधान से भी कुछ थोड़ा सा सलाह मशवरा करना चाहूँगा, क्योंकि उप प्रधान का भी एक पद अच्छा होता है और इसने इन्होंने भी एक कुछ कार्य किए होंगे या करने की संभावना होगी, तो उसके बारे में भी उप प्रधान जी से बात करेंगे। हाँ जी आइए जी, राजेंद्र कुमार जी उप प्रधान जी आप बताएंगे कि आपने क्या समस्याएँ रखी हैं और आपको जो लोगों ने जीता आपके दिलों में एक जगह बनाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी। पहले तो यहाँ आए सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस बार ग्राम पंचायत जिगेशु से उप प्रधान चुना हूँ और ये हमारी पहली आज ये ग्राम सभा है और यहाँ पे जैसा आशीर्वाद हमें इलेक्शन में मिला था वैसे ही पहली ग्राम सभा में भी हमारा कॉलम पूरा हो चुका है और आज जो सेल्फ मनरेगा भी डलेगी, लोगों की जो समस्या है जैसे भूमि सुधार का, टैंक का और पेंशन से लेके, तो ये समस्याएँ इन लोगों ने हमारे समक्ष रखी है, तो हमारा ये रहेगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस कामों को कमाने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रधान जी से भी और मिलके हम सब, हमारी टीम, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिले, यही मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। धन्यवाद।